the Delhi Metro, changing lives since 2002. Come in, let's take a ride, shall we? A ride that illustrates the facets of urbanization along the yellow metro line. सो गया। पब्लिक को आराम हुआ है कि मंडी में आने जाने के लिए सुविधा हुआ है, और आम रेडी वाले के लिए नुकसान है कि अब मेट्रो जहाँ स्टेशन पर रुकेगा वहीं तो पब्लिक उतरेगा और वहीं से अपना निकल जाते हैं। मेट्रो के काम में कोई फर्क नहीं है, मेट्रो तो सफर करना आदमी ने, जल्दी जाना जल्दी आना, मेट्रो से कोई फर्क काम में मेट्रो से कोई ऑफिस। तो यहाँ तो जंगल थी ना, यहाँ जंगल थी, 8 बजे 9 बजे बच्चे नहीं आते थे। ये मेट्रो बनने से ना होस्टल नज़दीक में है, ये बैटरी रिक्शा यहाँ से चालू हो गए। अब उधर 8 बजे जाइए तो उधर जितना बच्चे नज़र नहीं आएंगे ना बैक साइड, उतने इधर नज़र आएंगे। Probably never come here if it wasn't for the metro. And there's a cultural diversity which is basically a lot of heritage link. Metro सिर्फ इस चीज के लिए है कि metro में हम लोग दुकानदार आए या कोई भी आए, वो अपने time पर अपनी duty पर पहुंच जाता है। अब जो नोट वाला है वो तो metro में बैठ के जाएगा, हमारे जैसे 10 रुपए की बस में बैठ के जाएंगे, हमारे तो हिम्मत नहीं कि मेट्रो में बैठने का और जाने का। कभी मेट्रो का जाकर ठेसन हमने देखा अभी तक, तो मेट्रो भी निकली तो वही 10-20 का काम चलता है, नहीं भी निकला तो वही काम चलता है। मैं 5-6 साल से पीछे ज़्यादा क्राउड आ रही है यंग बेच का, जो यंग बेच है उनकी ज़्यादा क्राउड आ रही है यहाँ पे। पहले पैटी सैंडविच बर्गर बेचते थे, चाय कॉफ़ी ज़्यादा निकलते थी, और अब सिगरेट ज़्यादा बिक रहे हैं घर के ही। पहले कोल्ड ड्रिंक पीते थे लोग, जूस पीते थे, अब चरस मांगते हैं, गांजा मांगते हैं, भांग मांगते हैं। उसके हिसाब से 1st फ्लोर से 6th फ्लोर बन गए, लैंडलॉर्ड के पास किराया ज़्यादा आने लग गया। The metro is at present still only in the like the cyber area where all the corporate offices are situated. I recently shifted in February to a place, to a residence which is near Huda city center, and initially there were no other buildings or areas or connected areas, but now we have many residential and housing colonies coming up all around. In the changing landscape of Delhi, this ride has raised a number of issues over the years. While the metro has been the lifeline to many, there is no denying that some people have faced its brunt.